एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज और उनके मंत्री प्रदेश के भ्रष्टाचार मुक्त होने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता पर ट्रांसफर रुकवाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। जी हां, चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो समनापुर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत का बताया जा रहा है, जिसमें वो स्वास्थ्य विभाग की एक ANM का ट्रांसफर रुकवाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम पर पैसों की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा मंडल अध्यक्ष ANM के भाई चैन सिंह से अपने भांजे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। पीड़ित चैन सिंह ने बताया कि मेरी बहन जो कि ANM है, वो खामाखा में पोस्टेड है। उसका ट्रांसफर गलत शिकायत करके समनापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत ने महेंद्वानी विकासखंड के बहादुर माल गांव में करवा दिया। इस वजह से हम लोग परेशान हो गए हैं। चैन सिंह ने बताया कि जब हमने इस मामले में मंडल अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बोला कि भाजपा जिला अध्यक्ष के कहने पर ट्रांसफर हुआ है, तुम हमें 20,000 रुपए दे दो तो हम ट्रांसफर रुकवा देंगे। लिहाजा मैंने हेम सिंह राजपूत के भांजे नर्मदा प्रसाद के मोबाइल पर 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। वहीं मंडल अध्यक्ष के भांजे नर्मदा प्रसाद भी बता रहे हैं कि उनके अकाउंट में 15,000 रुपए आए हैं, लेकिन ये पैसे कहां से आए हैं उन्हें नहीं पता। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र समनापुर की BMO जयश्री मरावी ने बताया कि वायरल ऑडियो की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिली। जिस ANM के ट्रांसफर की बात की जा रही है, उसका ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो संविदा वाली है। हमारी खामा में पोस्टेड है, ANM के पोस्ट में है, जो समनापुर विकासखंड में आता है। उसको हेम सिंह राजपूत मंडल अध्यक्ष के द्वारा गलत शिकायत करके और ट्रांसफ़र जो है मेहंदवानी करवा दिया गया था, और उससे मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। और इसके संबंध में मेरे जिला अध्यक्ष से भी मिला था, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये पैसे की मांग किया था। उन्होंने तो बोला था कि कितना दे सकते हो, पर मैंने बोला कि भाई छोटे कर्मचारी हैं, कम ही दे पाएंगे। तो बोला 20,000 दो, तो मैंने फिर 15,000 रुपये उसके भांजे के खाते में ट्रांसफ़र किया था। नर्मदा प्रसाद उसका भांजा है मड़िया रास का, तो उसने नंबर दिया था, हेम सिंह राज BJP का है। देखिए, ऑडियो जो है वो अभी आप लोग के द्वारा मुझे सुनाया गया, इसके पहले तो मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो उसके सुनने के पश्चात मैं ये बता रही हूँ कि इसके बारे में, मैंने इसमें जो भी बातें हैं वो मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। इसके बारे में वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इस प्रकार से वीडियो वायरल किया है, और जिसके बारे में बताया गया है उसका तो ट्रांसफ़र हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। वो संविदा के थ्रू होता है, मैंने संविदा वाली, उसका ट्रांसफ़र हम किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। और एक सर्कुलेट जारी हुआ था बीच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा कि संविदा वालों का ट्रांसफ़र नहीं करने का है, जो रेगुलर वाले जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, जो एक लिस्ट निकली थी ट्रांसफ़र लिस्ट, तो जो रेगुलर वाले हैं उनको आप रिलीव कर सकते हैं, लेकिन संविदा वालों को आप रिलीव नहीं कर सकते। वहीं इस मामले को लेकर समनापुर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता हूं, मुझे साजिश के तहत तो फंसाया जा रहा है। चैन सिंह से मेरी बात हुई थी और मैंने उसे सिर्फ इतना बोला था कि मैं ट्रांसफर नहीं रुकवा सकता। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि मेरे विपक्षियों ने मुझे फंसाया है, मैं इस संपूर्ण मामले की जांच की मांग करता हूं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज बलैया ने कहा कि मैंने इस मामले में संबंधित मंडल अध्यक्ष को नोटिस भेज दिया है, ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अभी कल परसों से जो मेरा ऑडियो वायरल किया जा रहा है उसमें मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। ऑडियो वायरल किया गया है, मैंने ऐसा कोई बात नहीं किया। 2-3 बार चैन के द्वारा मुझे फोन लगाया गया और बात भी मेरे उससे किया गया, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके साजिश करेंगे। उनके बहन का जो ट्रांसफ़र हुआ था उस ट्रांसफ़र के बारे में रुकवाने की बात कर रहे थे, मैंने बोला मैं ये ट्रांसफ़र नहीं रुकवा सकता। उन लोगों ने 2-4 लोग जो मेरे विपक्षी हैं, विरोधी, जो चुनाव में भी मेरे विरोधी थे और मेरे महामंत्री के भी विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे लोग द्वेष पूर्वक चैन से साठ गांठ कर 1-2 दिन बात करके उस जो रिकॉर्डिंग है उसको काट पीट कर कहीं नर्मदा तो कहीं किसी का पैसा का लेन देन ऐसा काट छाट कर, और ये साजिश पूर्वक ये मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचे हैं। मैं इसकी जानकारी
पुलिस थाना समनापुर में भी दिया हूँ और जांच के लिए मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसकी संपूर्ण जो क्रियाकलाप है और जो ऑडियो को छेड़छाड़ कर उसको बनाकर जो मीडिया में दिया जा रहा है उसका जांच होना चाहिए और जांच में जो भी सत्ता पा जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से कल जो ऑडियो मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैंने भी सुना है और उसमें मैंने संबंधित मंडलाध्यक्ष को नोटिस भी हमारे कार्यालय के द्वारा दिया गया है, उस ऑडियो की जांच भी कराई जाएगी क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र की वो भी इसमें आ रही है और मेरे नाम का जो दुरुपयोग किया गया है निश्चित रूप से यह एक षड्यंत्र है क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष भी मेरे पास आया था और मीडिया मित्रों से मेरा आग्रह कि उस पीड़ित पक्ष से भी उसका विषय लेना चाहिए क्योंकि कुछ पत्रकारों ने केवल न्यूज जो ऑडियो सुनकर और एक तरफा वन साइडेड न्यूज लगा दी है जबकि उसमें पीड़ित का भी पक्ष लेना था, मेरा भी पक्ष लेना था और कहीं ना कहीं इसमें एक तो ऑडियो की जांच कराना और राजनीतिक षड्यंत्र भी है, यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।